स्टूडेंट आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 का विषय संस्कृत पाठ 4। पाठ का नाम है अकारांत नपुंसक लिंग संज्ञा शब्द। तो आइए सबसे पहले हम अकारांत नपुंसक लिंग संज्ञा शब्द के बारे में जानेंगे कि नपुंसक लिंग क्या होता है। तो जिस शब्द से न तो पुरुष जाति का और न ही स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम नपुंसक लिंग कहते हैं। अकारांत नपुंसक संज्ञा शब्द, तो इसमें हम अकारांत में संज्ञा शब्द को जानेंगे। तो आइए हम बुक पढ़ते हैं। आइए हम अकारांत नपुंसक लिंग एक वचन शब्द सीखें। यहाँ आपका दिया है, एक है यहाँ पे कमल का फूल, तो ये कमलम, तो ये आपका क्या है, अकारांत नपुंसक लिंग संज्ञा शब्द है, क्योंकि ये फूल है, ये क्या है, एक नाम है। जिस जहाँ पे शब्द नाम का बोध कराता है वहाँ पे क्या होता है, संज्ञा होता है। तो ये कमल का क्या है, फूल है, तो ये हम इसको क्या बोलेंगे, अकारांत नपुंसक लिंग संज्ञा शब्द में कमलम। जैसे यहाँ पे लिखा है कमलम, तो नीचे हलंत है, क म ल म, नीचे हलंत, ये क्या हो गया, नपुंसक लिंग संज्ञा शब्द। ऐसे यहाँ पे आपका दिया पत्रम, पत्रम भी आपका क्या है, नपुंसक लिंग संज्ञा शब्द, क्योंकि ये भी नाम है पत्ता, इसको हम अकारांत नपुंसक लिंग संज्ञा शब्द में पत्रम बोलेंगे। आम्रम, मुखम, नेत्रम, चित्रम, कंगनम, कंदुकम, वाद्यम, ये सब आपका क्या है, अकारांत नपुंसक लिंग संज्ञा शब्द है। जिसे न तो पुरुष जाति का और न ही स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम अकारांत नपुंसक लिंग संज्ञा शब्द कहते हैं। इस पाठ के सभी शब्द रूपों के मूल शब्द अकारांत अअंत वाले नपुंसक लिंग हैं। इन मूल शब्दों के अंत में म नीचे हलंत है जोड़कर एक वचन के शब्द रूप बनते हैं। जैसे मूल शब्द आपका क्या है, फल, शब्द रूप इसका क्या हो जाएगा, फलम, पुष्प, पुष्पम, ऐसे आप यहाँ पे एक और बना लेंगे, मुख है, तो मुख को हम शब्द रूप क्या देंगे, यहाँ पे मुखम हो जाएगा आपका। ऐसे आप भी इसे संबुक पढ़ेंगे और समझेंगे। फिर आपका दिया शब्द संग्रह, शब्द संग्रह में आपका दिया है पुष्पम, पुष्पम का अर्थ होता है फूल, कमलम, कमल, पाटलम, गुलाब, फलम, फल, आम्रम, आम, ये सब आपका क्या है, अकारांत पुलिंग, सॉरी अकारांत नपुंसक लिंग संज्ञा शब्द। तो इसे क्या करेंगे, जो शब्द संग्रह आपका है आप इसे अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे और उसे आप याद करेंगे। आज आपका क्लास यहीं ओवर हो रहा है। थैंक यू।